बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं प्रॉन्स बिरयानी की रेसिपी। तो सबसे पहले हम लेंगे राइस, अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 कप, और उनको हम लोग भिगो के रख देंगे 1 घंटे के लिए। उसके बाद सेकंड स्टेप है हमारा, जिसमें हम लोग लेंगे प्रॉन्स। प्रॉन्स हमने लेकर आए और ये 1 किलो प्रॉन्स हैं, पील्ड प्रॉन्स हैं। प्रॉन्स का सबसे बेस्ट जो एक सॉल्यूशन है, प्रॉन्स की सफाई, हम इसकी सफाई बहुत अच्छे से करेंगे ताकि इसमें जो भी इसकी जो सफाई का मरहला साफ हो जाए और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए प्रॉन्स। ऐसे प्रॉन्स हमने ये नॉर्मल साइज के प्रॉन्स लिए, ये बिरयानी में बहुत अच्छे यूज होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसको साफ करते हैं। प्रॉन्स को हम साफ करेंगे। तो दोस्तों इसकी अब जो सफाई का जो स्टेप है वो हम आपको दिखाते हैं। इसमें कट पहले से ही लगे हुए हैं, वैसे तो हमने सारे साफ करवाए थे, लेकिन फिर भी इसको प्रॉपर साफ करेंगे ताकि इनमें कोई भी प्रॉब्लम ऐसी अंदर ना हो और बिरयानी हमारी बहुत अच्छी बने। तो हम अब इसको सारे पील कर लेंगे। पील करके उसको कट लगा के ऊपर से इसकी सफाई कर लेंगे। तो दोस्तों हमने इसको ऊपर से कट लगा लिए, सारे प्रॉन्स में से इसकी जो भी गंदगी थी हमने साफ कर ली। अब इसका जो स्टेप नेक्स्ट है, इसको हम वॉश करेंगे प्रॉपर, क्योंकि प्रॉन्स जो हैं ये जब तक वॉश अच्छे से नहीं होंगे इसका अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। और नॉर्मली लोग इसी वजह से प्रॉन्स खाने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि इनकी सफाई अच्छी नहीं होती और लोगों को स्मेल आती है। तो दोस्तों हम इसको प्रॉपर 1 बाय 1 सारा साफ करेंगे और उसको इस पानी में से वॉश करके इसको फर्दर कुकिंग के लिए हम अपने प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले प्यारी सी कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल हमने डाल दिया। इसमें हरी प्याज जो है ये इसकी मेन रेसिपी की है, इस लिहाजा हम लोग हरी प्याज की जो ऊपर का हिस्सा है ये काट लेंगे। इसको काट रहे हैं हम अपनी प्लेट के अंदर, इसको बारीक काट लेंगे ताकि हम इसको फ्राई कर सकें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और इसमें हम कटी हुई जो चॉप ऑनियंस थी, ग्रीन ऑनियंस, वो ऐड कर रहे हैं। ऐड करके इसको हल्का ब्राउन होने तक हम इसको अपनी कढ़ाई में चलाएंगे। फ्लेम हमने हाई नहीं किया हुआ, नॉर्मल रखा हुआ है, नॉर्मल फ्लेम पे ये अच्छे इस तरीके से ब्राउन हो जाएंगे। लाइट ब्राउन जैसे होंगे फिर हम इसमें अपना जो मीट है फर्दर वो ऐड करेंगे प्रॉन्स। तो हमारी जो हरी प्याज है वो अच्छे से लाइट ब्राउन होना शुरू हो गई, तो अब इसमें हम थोड़ा फ्लेम हाई कर लेंगे। और दोस्तों ये रेसिपी मैंने किसी की ली, ये मेरी अपनी रेसिपी है और मैं अपनी रेसिपी को ही फॉलो करके इसको मेथड इसका बना रहा हूँ। तो हम आप इसमें जो हमारे बिल्कुल साफ सुथरे जो प्रॉन्स हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। फ्लेम हम थोड़ा हाई पर रखेंगे ताकि ये अच्छे से भून सकें, हम इसको भून सकें अच्छे से, क्योंकि जब तक प्रॉन्स अच्छे से भुने हुए नहीं होंगे तो बिरयानी वैसा मज़ा ना कर पाएगी और वो वैसा आपका टेस्ट मेंटेन नहीं होगा। इसलिए हम इसको अच्छे से इस कढ़ाई में अब अपने प्रॉन्स को, तो दोस्तों देखिए कितना साफ सुथरा और अच्छा एक एनवायरमेंट में और कितना साफ सुथरा ये प्रॉन्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। और हम इनको जो है अब अच्छे से इसको मिक्सअप कर रहे हैं, थोड़ा हाई फ्लेम मैंने रखा हुआ इसलिए ताकि ये अच्छे से भुन सकें
और इसका टेस्ट अच्छा मेंटेन होगा। फ्रेंड्स अब जाहिर सी बात है अच्छे से ये जो है फ्राई हो चुके हैं और प्रॉन्स जो है अपना पानी काफ़ी जो है निकालते हैं, तो कोई मसला नहीं है, इसको हम ड्राई होने तक ऐसे ही भूनते रहेंगे और अब इसमें हम थोड़े थोड़े से जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। अब हम सबसे पहले इसमें जो है नमक ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून, वो आप जैसे आपका टेस्ट हो आप वैसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नमक के बाद नेक्स्ट जो आएगा इसमें वो कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी आधा चम्मच हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्पाइस है वो हाफ टी स्पून हमारे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर के बाद थोड़ी सी जो है वो किसी भी हल्दी, ये भी हाफ टी स्पून। अब नेक्स्ट जो है ये हम फिश जो मसाला होता है बाजार का, फिश मसाला बहुत अच्छा मिलता है हमारे एरिया में, वहाँ से मैंने ये परचेस किया था, तो हम इसमें 2 टेबल स्पून ये मिक्स मसाला फिश का ऐड करेंगे। प्रॉन्स बिरयानी में फिश मसाला बहुत ही अच्छा टेस्ट क्रिएट करता है और खाने वाले खाते रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए अच्छे से हमारे जो कढ़ाई है वो उसमें प्रॉन्स जो है बहुत ही अच्छा एक इसका लुक आ रहा है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। अब इसमें फर्दर हम इसमें ऐड करेंगे चॉप टमाटोस 4 अदद, छोटे टमाटो साइज के 4 अदद इसमें ऐड करेंगे, 4 टमाटोज ऐड करेंगे। और उसके बाद हम ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून दही, दही हमने ताज़ा मंगाया था और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 4 टेबल स्पून, अच्छे से ऐड करेंगे और इसको फर्दर और कुक करेंगे 10 मिनट्स के लिए। तो दोस्तों अब इसके जो राइस हैं हम वो बॉयल करने के लिए सबसे पहले हम इस कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा नमक ताकि जो राइस का टेस्ट है वो डेवलप हो जाए अच्छे से। फिर जो हमारे जो भिगोए हुए राइस हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको 10 मिनट्स तक बॉयल होने के लिए रख देंगे ताकि हमारे अच्छे से चावल जो हैं वो बॉयल हो जाएं और फिर हम अपनी बिरयानी को आगे बढ़ा सकें। तो फ्रेंड्स जो हमारे राइस हैं वो बॉयल हो चुके हैं, अब हम इसको स्टेन करेंगे जो स्टेनर में और इसका सारा पानी ये निकाल के इसको हम लोग वॉश करके एक पतीले में रख देंगे। तो हम स्टेनर में जो सारे राइस हैं वो उसको हम लोग कर लेंगे ताकि हमारे राइस का जो ये वाटर है बॉयलिंग का ये ड्रेन हो जाए और हमारे चावल बिल्कुल साबित हो जाए। तो फ्रेंड्स हमने जो ये बॉयल चावल हैं ये हमने ले लिए, एक पतीला ले लिया हम जिसमें जो है दम पे रखेंगे अपनी बिरयानी को और हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसमें राइस रखेंगे अपने इस पतीले में। राइस हमने पतीले में रख दिए हैं, अब जो हमारा तैयार जो मिक्सचर था प्रॉन्स बिरयानी का वो अब हम इसमें ग्रेजुअली ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा। बिरयानी के लिए स्टेप वाइज लाजमी होता है ना डालना ताकि अच्छे से इसमें मर्ज हो सके बिरयानी। तो इसमें जैसा कि सारा हमने मिक्स कर लिया है और हमने बहुत ही अच्छा इसको शेप दिया, अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे ताकि इसमें अच्छा सा और एक अच्छा रंग आ जाए। फूड कलर ऐड करने के बाद अब इसमें हमने फूड कलर ऐड करने के बाद हम इसमें चॉप जो है वो हमारी ग्रीन ऑनियंस और ग्रीन चिलीज हैं जो हम इसकी गार्निश के लिए ताकि बहुत अच्छा लुक और बहुत अच्छा टेस्ट आए इसमें ऐड करेंगे ताकि हमारी रेसिपी बहुत अच्छे से बने और बिरयानी के जो ग्रीन ऑनियंस के जो लवर हैं बिरयानी के वो इस रेसिपी को बहुत ही अच्छे से जो है वो
बना सकते हैं अपने घर में। ठीक है जी, तो अब हम इसको दम पे लगा रहे हैं अपने बिरयानी को, और हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। अच्छे से दम आ गया हमारी बिरयानी को, और बहुत ही जबरदस्त दिखने में और टेस्ट बहुत ही अच्छा मेंटेन टेस्ट बना है। चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी मोटिवेशन और बढ़े, या आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए क्या खुशबू आ रही है, क्या बिरयानी का टेस्ट बना है, और कितनी मजे की बिरयानी बनी है। ये रेसिपी आप अपनी फैमिली में लाजमी ट्राई कीजिएगा, और अपने प्यारे दोस्तों और रिश्तेदारों को हमारी ये रेसिपी ट्राई करके आप यूज करें। इंशाल्लाह ताला अपने मेजबान साद अब्दुल्ला को इजाजत दीजिए, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।